हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी डिश मनवा के लाए हैं जो अवध के नवाबों के शाकाहारी कर्मचारी खाते थे। सही सुना आपने, ठीक है, आइए आपको लेके दिखाते हैं ऐसी कौन सी डिश है जो अवध के नवाब के शाकाहारी कर्मचारी मींस एम्प्लॉयज लोग खाते थे। ठीक है, क्या खाते थे ऐसा जिनको मतलब मांसाहारी खाना नहीं पसंद है, तो अवध के नवाब जी उनके लिए शाकाहारी व्यंजन बनवाते थे, उसके रूप में क्या ऐसी डिश है आइए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने, ठीक है, क्या है ये, ठीक है, ये बिरयानी नहीं है दोस्तों। और इसका आविष्कार इसीलिए हुआ था क्योंकि भारत में अवध के नवाबों के शाकाहारी कर्मचारी बिरयानी नहीं खा सकते थे। जैसे हम लोग घर में हमारी बहनें नहीं खाती हैं, ऐसे उनके यहाँ कर्मचारी बिरयानी नहीं खाते थे। सबकी पसंद भाई अलग अलग है। जो मांस से मनाई जाती थी, मतलब नॉनवेज, मतलब यही होता है कि मांस वाला फूड, ठीक, नॉनवेज वाला फूड। और दोस्तों इसीलिए एक शाकाहारी विकल्प की वजह से तहरी का आविष्कार हुआ। ठीक है, तहरी देख सकते हैं, तहरी में क्या क्या पड़ा रहता है, मटर पड़ी रहती है, टोमेटोस पड़े रहते हैं, आलू गोभी बहुत चीज़ें पड़ी रहती है भाई, तहरी बहुत मस्त होती है। ठीक है, तो भाई तहरी का आविष्कार ऐसे हुआ है। ठीक है, तहरी के भाई दो प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे हर चीज़ के दो प्रकार होते हैं तो तहरी के भी दो प्रकार होते हैं। हम कौन से प्रकार वाला तहरी खा रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों एक होती है जो खूब सारी सब्जियों से बनी रहती है, जिसमें मैं साझा नहीं कर रहा हूँ, मेरी दूसरी वाली तहरी है। और दूसरी जो तहरी होती है जो आलू से बनाई जाती है, उसे आलू की तहरी कहते हैं। ठीक है, सिर्फ आलू चावल वो वाली रूप साली। ठीक है, और जो पहली वाली तहरी होती है इसमें वेजिटेबल्स पड़ती हैं, जैसे गोभी हो गई। गोभी का दोस्तों इसमें विकल्प अभी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि तहरी कितने प्रकार की होती है। हम लोगों का चैनल आपको बताएगा तहरी कितने प्रकार की होती है। तहरी में दोस्तों जैसे आम सब्जियां होती हैं, ठीक है, आपको बता दे क्या क्या पड़ता है, जैसे ये आलू है, ठीक है, टोमेटोस है, मटर है, गोभी पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन हम लोग घर में थोड़ी शॉर्टेज थी गोभी की, इसलिए गोभी नहीं डाली। तो भाई ताज़ी और बढ़िया तरीके से सब्जी बन सकती है, तो ज़्यादा आपको कुछ है नहीं, और बहुत बढ़िया तरीके से होती है, फ्रेश तरीके से होती है। और भाई सफ़ेद चावल, बासमती चावल किसी से भी आप बना सकते हैं, और इसकी आपने खुशबू सूंघी होगी तो भाई गजब होती है। ठीक है, अब बाकी आप देखिए, और अवध के नवाबों वाली तहरी खा रहे हैं क्योंकि हम शाकाहारी कर्मचारी में तो नहीं आते हैं, लेकिन शाकाहारी कर्मचारियों के लिए वीडियो बन रही है भाई। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले तहरी की लुक देखिए, टमाटर मटर और साथ में हमारे अचार। चटनी का विकल्प रख सकते हैं, मूली का विकल्प रख सकते हैं, लेकिन मूली का नहीं रखा है तो अचार का रख दिया है भाई हमने। आप अचार देखिए, ठीक, एक अचार मैंने लिया, ठीक, और यहाँ पे जो अवध के नवाब खिलाते थे, ठीक है, आज वो ही खा रहे हैं भाई। ठीक है, देखिए भाई साहब अचार, ठीक है, मुँह में पानी आ रहा होगा, और मटर भी साथ में भाई, ये देखिए। ठीक है, पूरा एक कौर हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए पूरा कौर हमारा रेडी हो चुका है। आइए टेस्ट करते हैं अवध के नवाब जो खिलाते थे अपने कर्मचारियों को बढ़िया तरीके से वेजिटेबल वाली बिरयानी। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं अपना कौर ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब ठीक है, एक कौर है। गजब भाई गजब, और ठंडी में लोग तहरी बहुत खाते हैं। ठीक है, और भी बहुत हिस्ट्री है इसकी, अगर मैं हिस्ट्री बताने में लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तहरी का आविष्कार ही बता दो भाई, तहरी होती क्या है और अवध के नवाब क्या खिलाते थे अपने कर्मचारियों को। ठीक है, मस्त, और फटाफट अगर आपको एक अच्छी नॉलेज पता चली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं अपनी तहरी खाता हूँ, देखिए भाई तहरी, ठीक है, और बिरयानी समझिए, ये जो मतलब बिरयानी नहीं खाते हैं उनके लिए वेजिटेबल बिरयानी है। और अब तो भयंकर वेज बिरयानी नूटीला वाली आ गई, तो वो बिरयानी नहीं होती थी, ये बिरयानी होती थी जो लोग भूल रहे हैं। आप भंडारे में लोग चला रहे हैं तो भंडारे वाली बिरयानी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अवध वाली बिरयानी कहते हैं, तो यही चीज़ है। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यश अश्ना व्लॉग्स में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।